गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 19 जून के करंट अफेयर। उससे पहले हम लोग 18 जून के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। तो देखते हैं कल के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था हमारा, वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता सूचकांक में भारत किस स्थान पे है। तो इस सूचकांक में भारत है 43वें स्थान पे। आपको पता होना चाहिए कि पिछले साल भी भारत कौन से स्थान पे था, 43वें स्थान पे। ठीक, नंबर वन पे कौन है, तो नंबर वन पे है इसमें सिंगापुर, नंबर टू पे है डेनमार्क और थ्री पे है स्विट्जरलैंड। ठीक, तो क्या क्या याद रखेंगे, वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता सूचकांक में भारत पिछले दो सालों से 43वें स्थान पे, और नंबर वन पे सिंगापुर, उसके बाद डेनमार्क, उसके बाद है स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन हमारा कि कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक गठबंधन का संस्थापक सदस्य बन गया है, तो भारत बन गया है इसका संस्थापक सदस्य। फिर हमारा कि किस राज्य सरकार ने एथलीट हिमा दास का नाम खेल रत्न के लिए खेल मंत्रालय को भेजा है, तो ये भेजा है असम की सरकार ने। और अगर हम लोग बात करें कि हिमा दास का जन्म कब हुआ है, तो 9 जनवरी सन 2000 को हुआ है। देखा जाए तो ये सबसे युवा खिलाड़ी हैं जिनको इसके मतलब खेल मंत्रालय ने खेल रत्न अवार्ड के लिए भेजा गया है। ठीक, याद रखिएगा। उसके बाद हमारा कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है, कैथी ल्यूडर्स का। ठीक है, किसको, कैथी ल्यूडर्स को। फिर हमारा कि किस बैंक ने सैलरी खाता धारकों को इंस्टा फ्लेक्सी कैश सुविधा शुरू किया है, तो ICICI बैंक ने यह सुविधा शुरू किया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सिडबी के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो सिडबी के नए निदेशक बने हैं देवेंद्र कुमार सिंह। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1990 में। फिर हमारा वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट कब मनाया जाता है, तो 17 जून को यह मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में महावीर चक्र से सम्मानित किस लेफ्टिनेंट जनरल का निधन कोविड-19 के कारण हो गया है, तो राजमोहन वोहरा का। ठीक, फिर हमारा कि किस केंद्रीय मंत्री ने जर्मी बैन नामक डिवाइस लॉन्च किया है, तो जी किशन रेड्डी ने इसको लॉन्च किया है। उसके बाद हमारा कि किस संगठन ने ई गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए 500 से अधिक कार्यालयों में ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है, तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने यह किया है। अब हम लोग बात करेंगे आज के क्वेश्चन पे, तो देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा, सही जोड़े का मिलान करना है। ठीक है, क्या इसमें सही जोड़े का मिलान, तो इसमें देखिए बहुत सा ऐसा है जो आप लोग पहले से जानते हैं, जैसे नए में क्या है, नए में बेल्जियम है। बाकी सारे देशों का मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था कि कौन है, कौन कहाँ का राजदूत है। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग बात करते हैं फिनलैंड की, सबसे इजी मैंने आपको बताया था फिनलैंड, तो फिनलैंड का कौन है, फिनलैंड के हैं रवीश कुमार। तो सी में डी, तीसरे स्थान पे डी दो जगह दिखा है, दूसरे और तीसरे में, तो मतलब इन्हीं दोनों में से कोई हमारा सही है। ठीक, इसके बाद आता है बेल्जियम, बेल्जियम नया है, और बेल्जियम के राजदूत कौन है, संतोष झा है। ठीक, क्या होगा हमारा, बेल्जियम के राजदूत है संतोष झा। तो इतने से आप बता सकते हैं कि कौन सा सही होगा। देखिए ए क्या होगा, ये हमारा सी, पहला वाला सी में जाएगा, तो सबसे पहले सी आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है आपको तीसरे स्थान पे। ठीक है, और पहले में, पहला तो हम लोग यहीं। ठीक, और उसके बाद कुवैत का है, तो कुवैत के कौन है, सीबी जॉर्ज हैं। कुवैत के कौन है, सीबी जॉर्ज है कुवैत के। उसके बाद है फिनलैंड, मैंने आपको बता दिया रवीश कुमार, और पपुआ न्यूगिनी के हैं सुशील कुमार, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, बहुत से देशों के राजदूत नियुक्त किए गए हैं, जैसे ब्रिटेन। ठीक है, तो ब्रिटेन की राजदूत कौन है, गायत्री आई कुमार। फिनलैंड, फिनलैंड के हैं रवीश कुमार, रवीश कुमार। ठीक, कुवैत के हैं सिबी जॉर्ज। पपुआ न्यूगिनी के सुशील कुमार। स्विट्जरलैंड की मोनिका कपिल मेहता। रोमानिया के राहुल श्रीवास्तव। फिलीपींस के शंभू एस कुमारन। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, UNCTAD की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में प्राप्त FDI के मामले में भारत विश्व में कौन से स्थान पर रहा है, तो इसमें भारत रहा है 9वें स्थान पर। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा,
राइट आंसर। इसमें भारत में कुल 51 बिलियन डॉलर का निवेश हुआ है, जो कि 2018 की तुलना में 9 बिलियन डॉलर अधिक है। और परसेंटेज की बात करें तो 20% की FDI में बढ़ोतरी हुई है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा, नेचर इंडेक्स 2020 में विश्व अनुसंधान उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत का कौन सा रैंक है? तो इसमें भारत 12वें स्थान पे है, ठीक है, जबकि पहले स्थान पे कौन है? USA है, सेकंड पे चाइना है, थर्ड पे जर्मनी है। नेचर इंडेक्स टेबल 2020 में भारत को विज्ञान अनुसंधान उत्पादन में विश्व स्तर पर 12वें स्थान पे रखा गया है। अगर हम लोग टॉप 5 की बात करें तो नंबर 1 पे USA, बी पे चाइना, थर्ड पे जर्मनी, फोर्थ पे यूनाइटेड किंगडम और फिफ्थ कौन है? जापान है, याद रखिएगा इसको। 2020 टेबल 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक के नेचर इंडेक्स डेटा पर आधारित है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के स्वायत्त संस्थानों में से 3 ने नेचर इंडेक्स 2020 रेटिंग में स्थान पाया। कौन कौन से हैं? तो इसमें IIT, ISRE और रिसर्च इंस्टीट्यूट और लैब भी शामिल है। तो यहाँ पे टॉप 3 हम लोग देख लेते हैं, जिसमें ग्लोबल और इंडिया रैंक दोनों होगा। पहला तो हमारा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, तो ये इंडिया में पहले स्थान पे और ग्लोबली कौन से स्थान पे? 160वें। उसके बाद हमारा इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, ये 184वें स्थान पे है और इंडिया रैंक पे सेकंड में है। तीसरा हमारा थर्ड रैंक पे और ग्लोबली 260वें रैंक पे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ठीक, याद रखिएगा। फिर हमारा कि शारजाह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैम्पियनशिप किसने जीता? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसमें जीता है सखरियार मामी दिरेव ने, ठीक है, याद रखिएगा किसने? सखरियार मामी दिरेव ने इसको जीता है। देखते हैं, अजरबैजान के ग्रैंड मास्टर हैं ये और वर्ल्ड स्टार शारजाह ऑनलाइन इंटरनेशनल शतरंज चैम्पियनशिप इन्होंने जीता है। दूसरे स्थान पे भारतीय ग्रैंड मास्टर पिंताला हरिकृष्ण चैम्पियंस हैं, ठीक है। शारजाह सांस्कृतिक और शतरंज क्लब द्वारा शारजाह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैम्पियनशिप की मेजबानी की गई है, ठीक है। तो फिलहाल नाम याद रखिएगा सखरियार मामी दिरेव, और दूसरे स्थान पे कौन है? पिंताला हरिकृष्ण। अगला हमारा, हाल ही में मुखमल्द कली अबिल गाजीयेव ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? तो ये एक लैंड लॉक कंट्री है, किर्गिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय रेडियो फ्रिक्वेंसी के असाइनमेंट में कुछ आपराधिक जांच चल रही थी और इसी का हवाला देते हुए इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। किर्गिस्तान एक सेंट्रल एशियन और पहाड़ी कंट्री है, जो कि लैंगलॉक भी है, इसको भी याद रखिएगा, चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम लोग किर्गिस्तान के बॉर्डर की बात करें तो उत्तर में कजाकिस्तान से, पूर्व में चीन से, दक्षिण पश्चिम में तजाकिस्तान से और पश्चिम में उज्बेकिस्तान से मिलता है। किर्गिस्तान का बॉर्डर क्या है? बिश्केक है। राजधानी क्या है? बिश्केक है किर्गिस्तान की राजधानी, ठीक। तो अब आ गया है ऐप, तो जिन लोगों ने अभी तक ऐप को इंस्टॉल नहीं किया वो ऐप को इंस्टॉल करके रेटिंग और रिव्यू देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगला हमारा कि किस भारतवंशी को इथोपिया में अमेरिकी राजदूत बनाया गया है? तो ये बनाया गया है गीता पासी को, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। 14 जून को इसकी घोषणा की गई थी। इससे पहले गीता पासी चाड और जिबूती में अमेरिकी दूत के रूप में सेवा दे चुकी हैं। गीता 1988 में विदेश सेवा से जुड़े थे। अब राजदूत वाला देखिए, मैंने आपको सब पढ़ा दिया था, तो यहाँ पे दोबारा उसको रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। चलिए अगला हमारा, COVID-19 के चलते ऑस्कर 2021 अवार्ड समारोह की तारीख बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? तो 25 अप्रैल 2021 कर दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। 28 फरवरी 2021 पहले तारीख तय की गई थी, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया। इससे पहले भी जब 28 फरवरी किया गया तो इसको 31 दिसंबर से बढ़ा करके 28 फरवरी किया गया था, ठीक। तो इसके ठीक पहले 92वां ऑस्कर अवार्ड बटा था, जिसमें अगर हम लोग बात करें कि बेस्ट फिल्म की अवार्ड किसे गया था? पैरासाइट को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे गया था? वॉकिन फिनिक्स को, जो कि जोकर के थे। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड गया था रिनी जेलवेगर को, और बेस्ट विजुअल इफेक्ट का अवार्ड गया था फिल्म 1917 को, ठीक। अवार्ड से एक दो क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, जैसे रेमन मैक्सेसे अवार्ड भी इस बार टाल दिया गया कोविड के कारण। इसके अलावा
जावेद अख्तर को तार्किक व वैज्ञानिक सोच रखने के लिए रिचर्ड डाउकिंस अवार्ड दिया गया, जो कि यह जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके अलावा अभी 7 जून को हम लोगों ने विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया गया। इस दिन वर्ल्ड फूड अवार्ड 2020 दिया गया है भारतीय अमेरिकी मूल के व्यक्ति रतन लाल को। ठीक, अगला हमारा कि मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा बना है, तो उत्तर प्रदेश बन गया है सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य। देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार दिया है उत्तर प्रदेश ने कितना, 57,000 ग्राम पंचायतों में 57,12,975 श्रमिकों को रोजगार दिया है, जो देश में मनरेगा के तहत दिए गए कुल कार्य का 18% है। ठीक, इसके अलावा राज्य सरकार ने 7.93 करोड़ मानव दिन का रोजगार मुहैया कराया और 10,00,000 श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। अब यहाँ पे देख लेते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी, लाइक किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रवासी राहत मित्र ऐप की शुरुआत किया, उत्तर प्रदेश। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में है गोरखपुर, गोरखपुर के टेरा कोटा कार्य सदियों पुरानी एक कला है, इसको हाल ही में GI टैग मिला। गोरखपुर में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म भी है, इसको भी आप याद रखिएगा। फिर है कि 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करने का ऐलान किसने किया, उत्तर प्रदेश ने। CM आपको पता है योगी जी हैं और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। इसके अलावा जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। इसके अलावा वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। फिर हमारा किस भुगतान बैंक ने MSME के कार्यबल के लिए सुरक्षा वेतन खाता शुरू किया, तो ये बैंक कौन सा है, एयरटेल पेमेंट बैंक है। ठीक है, कौन सा है, एयरटेल पेमेंट बैंक। भारत में अगर हम लोग MSME सेक्टर की बात करें, 60 मिलियन से अधिक इकाइयां हैं, जो कि भारत की GDP का 29% का हिस्सा भी है। सुरक्षा वेतन खाते के रूप में नामित यह MSME और अन्य संगठनों को कैशलेस भुगतान करने में सक्षम करेगा। इसके साथ साथ औसिप कैश बीमा और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी कवर प्रदान करेगा। ठीक, याद रखिएगा, इस बैंक के जो सेंटर होंगे उससे 5,00,000 रुपए की निकासी व्यक्ति कर सकता है। इसके अलावा एक महीने में 50,000 रुपए तक की नगद निकासी और 20,000 रुपए तक की जमा राशि पर कोई शुल्क नहीं होगा। इसके साथ साथ ग्राहक इन सेंटरों पर नगद जमा करने और पैसा ट्रांसफर करने में भी सक्षम होंगे। अगले हमारा कि बिहार सरकार ने किस बॉलीवुड एक्टर को बिहार खादी मॉल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो मैंने आपको बताया था कि पटना में भारत का पहला खादी मॉल बनेगा और उनका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, मिर्ज़ापुर सीरीज आप सभी ने देखा होगा और ये हैं उसी के एक्टर पंकज त्रिपाठी। ठीक है, तो याद रखिएगा राइट आंसर क्या होगा हमारा, पंकज त्रिपाठी। ठीक है, तो इन्होंने पटना में खोले गए इनके खादी मॉल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है इनको। ठीक है, और साथ ही साथ यह मधुबनी खादी का पूरे देश में प्रचार भी करेंगे। बिहार से और क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है, बिहार के बहुत से उत्पादों को GI टैग दिया गया है, जैसे शाही लीची, जरदालू आम, सिलाव खाजा, मगही पान, कतरनी चावल। तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।